और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं दिल्ली से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जहां जेपी नड्डा के आवास से रवाना हुए हैं राजनाथ सिंह। जेपी नड्डा के आवास से रवाना हुए हैं राजनाथ सिंह। लगभग 3 घंटे तक यहां अहम बैठक चली है। एनडीए की सरकार बनाने की कवायद के चलते अब ये लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। एक बड़ी जिम्मेदारी जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई है पार्टी की तरफ से कि जो घटक दल है उनसे बातचीत की जाए। विनीत हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। विनीत, ये बैठक जो 3 घंटे चली है जेपी नड्डा के आवास पर, ये पूरी हो चुकी है? अभी भी बैठक जो है वो चल रही है। सिर्फ राजनाथ सिंह जो है वो इस बैठक से निकले हैं। अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो इस बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमित शाह के साथ ही साथ जो है वो मनसुख मांडविया हो, चाहे बी एल संतोष हो, इसके साथ ही साथ प्रहलाद जोशी हो, विनोद तावड़े हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। और यह बैठक जो है तमाम जो हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस बैठक में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार जो सरकार का स्वरूप होगा वो कैसा होगा और उसमें किस पार्टी का कितना प्रतिनिधित्व होगा, इसको लेकर के यहाँ पर लगातार मंथन जो है वो चल रहा है। इसके साथ ही साथ सहयोगी दलों से भी बात करने की बात जो है वो सामने आ रही है कि आखिरकार सहयोगियों दल से भी बात की जाएगी। और जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि यहाँ से भी हो सकता है कि अंदर से भी सहयोगी दलों के से संपर्क जो है वो किया जा रहा है कि आखिरकार कौन सा मंत्रालय जो है वो किसे दिया जाए। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बात जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से जुड़े हुए विभाग है, चाहे वो प्रधानमंत्री के साथ साथ अगर हम बात करें रक्षा मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो और वित्त मंत्रालय हो, ये पद जो है वो बीजेपी के साथ ही रहेगी। बाकी के विभागों में जो है वो सहयोगी दलों को दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो लोकसभा स्पीकर का पोस्ट है वो भी या फिर वो भी जो है वो बीजेपी अपने पास रखेगी। सहयोगी दल को डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वो दे सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका विनीत कुमार जानकारी के लिए।